अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसके नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे मेरा नाम है सैम मुंडे आज हम बात करेंगे यहाँ पे वेदंता लिमिटेड के बारे में जो आपको लिए यहाँ पे हो सकता है इसमें करंट प्राइस लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग एक लाख करोड़ रुपए का है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका मार्केट कैप है इसकी करंट प्राइस लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं शेयर्स की इसका हाई लो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो उनका जो स्टॉक पी है वो यहाँ पे वो देख सकते हैं इसका जो रेशियो है यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका वैल्यू फर यहाँ पे वो देख सकते हैं और फीस वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं आपको वेदंता के बारे में तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी आज का यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे वन मंथ का देख सकते हैं यहाँ से थ्री मंथ का देख सकते हैं और फोर मंथ का भी देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो गया और थोड़ा सा आज के दिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट आ गया है लेकिन आप यही समय है आपके लिए खरीदने का और आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं इसका जो पी रेशो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ के कितना चल रहा है और जब इसका सबसे हाई था तब इसका पी कितना यहाँ पर चल रहा था भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे फिर टेक्निकल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे उनके जो यहाँ पे जो पी उनका सकते देख सकते हैं आप इसमें मार्केट कैप देख सकते हैं उनका जो सेक्टर है इसमें सबसे अच्छा जो उनका हम यहाँ पे जो दिखाने वाले हैं वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं पूरा उनके शेयर्स के बारे में देख थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखें तो उन्होंने अच्छे खासा सेल किया है यहाँ पे देख सकते अलग अलग क्वार्टरली आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है उसके साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं इसमें और यहाँ पर क्वार्टरली भी दिखा रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लगभग यहाँ से शुरू होके आज, आज कंपनी यहाँ तक पहुँच चुकी है तो हर सेक्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितना कितना उनको यहाँ पे यह बेनिफिट हो चुका है या उनका लॉस हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम फिर भी थोड़ा सा फंडामेंटल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बढ़िया स्टॉक आपको देखने को मिलेगा इसके साथ इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं यहाँ पे जो इनका शेयर्स कैपिटल है यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के समय कितना है यहाँ पे जो उनका टोटल लेबिलिटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं और एसेट दे है दे है, दे देख सकते हैं अदर एसेट भी देख सकते हैं तो पूरा यहाँ पे चिट्टा उनका देख सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे जाने के बाद हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश कर लेते हैं और इनका रिटर्न कैसा दिया है तो यहाँ पे वन डे के बारे में दिखाई दे थोड़ा सा आज माइनस में चल रहा है क्योंकि प्राइस ही ऊपर से नीचे आ गई है उसकी इसीलिए हम यहाँ पे आज इसका स्टॉक के बारे में जानकारी दे रहे तो यहाँ पे लगभग आप यहाँ पे लगभग यहाँ पे टू हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लोज प्राइस अभी उसकी है तो यहाँ पे जब दिन का शुरू हो गया था वो बहुत भाग रहा था लगभग टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज़ था जब हमारा मार्केट खुला था तो आज के प्राइस में हम इसीलिए आज आपके सामने ये इसमें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शेयर्स में भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा के के बारे में देख सकते हैं तो इसके थोड़ा सा और उसके अगर आप वीकली रिजल्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे इसका रिटर्न जो मिला है आपको लो लगभग यहाँ पे टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ था और इसका हाई था यहाँ पे टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री रुपीज़ तो यहाँ पे देख सकते हो तो उनका लगभग आज का रिटर्न आपको यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव सिक्स जीरो परसेंटेज आपको यहाँ पे मिला है वन मंथ का देखे तो आपको यहाँ पे दिस समझ में आता है कि इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न देखने को मिला है लेकिन जब हम वन ईयर के बारे में जाते हैं तो तो पे पे में देख सकते हैं कि है है, है आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसकी लो है, 91 और इसकी और जो हाँ है, 260, 96 तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते कि वेदनता के बारे में आ, आने वाले वक्त में ये और भी यहाँ पे आगे बढ़ सकता है तो अगर इसके मैक्सिमम देखे तो आपको यहाँ पे कितना रिटर्न देखने मिलेगा तो आप हैरान चौरान सब कुछ हो सकते हैं यहाँ पे रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया है यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं और अगर इसे एस के बारे में बात करें तो एस में भी आपको यहाँ पे लगभग अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे एन की साइड पे जाके हम उसे देख लेते हैं कि इसमें बारे में और कौन कौन सी आपको यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की है तो यहाँ पे तो एन एस सी में जाके देखते हैं इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी लिस्टेड हो चुकी है लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तेरह मई अट्ठानों को यानी यहाँ पे लिस्टेड हो चुकी है कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेट है ये सेक्टर जो आता है निफ्टी जो फाइव हंड्रेड में आता है इसका जो पी /E रेशो है लगभग नाइन पॉइंट सिक्सटी थ्री रुपीज़ है इसका सेक्टर का इसका पी रेशो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टू नाइन्टी टू डबल है यहाँ पे इसके जो लिस्टिंग देख सकते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आने के बाद कंपनी अच्छी खासी पुरानी कंपनी आप इसमें इस पैसा लगा सकते हम तो यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपर लोअर और सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते पूरा यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है इसका ये दिन का है ये इंट्राडे का है थोड़ा सा ये माइनस में चला गया है लेकिन यहाँ पे वीकली का अगर एक साल का देखे तो ये यह यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है इसका जो प्राइस था यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे, दे� सकते यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोअर बैंड देख सकते हैं और अपर बैंड भी देख सकते हैं लगभग आप हो सकता है कि इतना सारा आपके सामने रिजल्ट आ सकता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चार्ट के बारे में भी दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे चार्ट के बारे में बताते हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ट कैसे कैसे घूम रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट कैसे कैसे यहाँ पे घूम रहा है तो ये भी देख सकते हैं कि ये कितना यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ गया है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर होने के बाद थोड़ा सा नीचे भी आ गया है तो अलग अलग तरीके से अगर आप मूविंग एवरेज निकालने के बाद और थोड़ा कुछ इंडिकेटर आपको मिलने के बाद अगर आप थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर ही गया है लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं है पूरा ऊपर ऊपर ही ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा ऊपर लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे इसके सामने जो जितने भी कैंडल आपको देख रहे हैं थोड़े से यहाँ पे अरे कैंडल ही आपको देखने को मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये भी आपने देखा कि अलग अलग तरीके से और अलग अलग जरिए भी, भी आपने देखने की कोशिश की है कि इस इस स्टॉक में आप जा सकते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक है तो आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा अभी इसकी जो थोड़ा सा नीचे गया है जो उनका जो क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे गया है तो आप यहाँ पे उस पर खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद आप लगभग आशा कर सकते हैं कि ये स्टॉक आपका लगभग ये स्टॉक मेरे ख्याल से तीन सौ रुपए के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे अभी तो हो सकता है कि ये प्राइस तीन सौ रुपए के ऊपर ही चला जाए और आपको स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तो यही बात आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चार्ट दिखा के आप यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिखा के सब कुछ यहाँ पे दिखाने के बाद आप उसमें मेरे ख्याल से वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि आपके सामने वेदनता के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूं क्योंकि यही समय है कि आप स्टॉक में खरीदी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था अभी तक तो हमारे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिए